प्रीलिम्स क्विज कंटिन्यू कर रहे हैं, टॉपिक करंट अफेयर्स फंडामेंटल राइट्स पार्ट थ्री। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। 1 to 20 देख चुके हैं। 21st क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया स्टिल ऑफर्स फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी? ए नागालैंड, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी त्रिपुरा, डी अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का अलग से एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है, एक एक्सेप्शन है। पूरे इंडिया में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही एक ऐसी स्टेट है जिसके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करती है राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा बी। और किसी भी स्टेट में जो प्रॉपर्टी है इट इज़ गिवन एज अ राइट। ठीक है, दूसरी चीज़, विच ऑफ द 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड जो है वो आपका मेनका गांधी केस से निकल कर आया था। ठीक है, इसको राइट अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में इंक्लूड किया जाता है। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, ये भी आपका आर्टिकल 21 से ही इंटरप्रेट किया है जुडिशरी ने, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, ये भी जो है आपका आर्टिकल 21 से ही जुडिशरी ने जो है इंटरप्रेट किया है। इसमें जुडिशरी का ये कहना है कि अगर आप किसी को जस्टिस टाइम पर नहीं दे रहे हो तो आप उसको एक मेंटल ट्रॉमा में लेकर जा रहे हो जिससे उसका जो राइट टू लाइफ है वो वॉयलेट हो रहा है। इसी के बेस पे अब अभी से कुछ एक साल डेढ़ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट को, गवर्नमेंट को ये बोला था कि जो लोग काफ़ी टाइम से जेल में हैं और जिनको प्रॉपर जो एग्जीक्यूशन था, जो उनको जस्टिस मिलना चाहिए था, वो उसमें डिले हुआ है, तो अब कोई हेयरिंग वेयरिंग नहीं होगी, आप उनको बाहर निकालो। ठीक है, जितनी उनको जेल मिलनी चाहिए थी उनको मिल गई है। ठीक है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, आपका जो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका लीगल राइट है। और तो आपका जो आंसर इसमें बन जाता है वो बन जाता है बी, 1, 2 and 3। 23rd क्वेश्चन, नथिंग इन दिस आर्टिकल शॉल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन सर्विसेज अंडर द स्टेट। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोविजन है ये आपको मिलता है आर्टिकल 16 के अंडर, राइट टू अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसमें ये एक एक्सेप्शन डाली गई है, जैसे हमने देखा है पहले भी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो आर्टिकल 16 में स्टेट को एक पावर दी गई है कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकें बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, तो जो ये आपका पार्ट बनता है ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बनता है, तो आपका आंसर जो इसमें रहेगा वो रहेगा बी। 24th क्वेश्चन, द फेमस मिनर्वा मिल केस वॉज रिलेटेड टू 1 एवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 2 स्टेटस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर द फंडामेंटल राइट्स। तो मिनर्वा मिल केस से पहले हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पूरा करने के लिए अगर सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो उसमें हम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको सुपीरियोरिटी देंगे। ठीक है, लेकिन मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सुपीरियर हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से, और आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की फुलफिल करने के लिए किसी का फंडामेंटल राइट नहीं वॉयलेट कर सकते। ठीक है ना, तो इस जो आपकी स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट हो गई थी। और जो स्टेटमेंट 1 है एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का फर्दर एवोल्यूशन किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमेशा सुपीरियर रहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। तो आप ऐसी कोई अमेंडमेंट लाकर जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको इफेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ सी, 1 and 2। उसके बाद 25th, विच ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स कैन बी फाउंड इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा क्वेश्चन तब आता है ना जब यूपीएससी को दिखाना हो कि भैया सिर्फ लक्ष्मीकांत जो तुम पढ़ लेते हो ना उससे पेपर नहीं सॉल्व होता, अब वो एनसीईआरटीस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पॉइंट है ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी में से, अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो वो इस क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर सकता है। स्टेटमेंट 1, राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन। स्टेटमेंट 2, राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज। स्टेटमेंट 3, राइट ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़। अब इसको थोड़ा सा एलिमिनेशन से भी करने की कोशिश करते हैं, नॉट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया है। ठीक है, तो राइट ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़ तो हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो थ्री पॉइंट जिसमें भी है वो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो सी और डी तो आपका जो है स्ट्रिक्टली सीधा एलिमिनेट हो गया, बचा ए और बी, 1 and 2 ओनली और 1 ओनली। अब आपको पता है कि 1 तो आंसर होएगा ही होएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन में 1 है, तो राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन हो गया।
राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अब ये जो कैच है, ये यहाँ पे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो आप पकड़ लेते, क्योंकि राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस ना तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में है ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसका जो आंसर आपके लिए रहेगा वो रहेगा बी। 26 क्वेश्चन, इफ देयर वॉज नो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉलो? ए, अ सिटीजन वुड नॉट बी एबल टू मूव कोर्ट्स एट ऑल। बी, देयर वुड बी नो रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। सी, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव वुड बी कम्प्लीटली डाइल्यूटेड। डी, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे टर्न अथॉरिटेरियन। अब अगर आप ये स्टेटमेंट्स देखें, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में से सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के डाला गया है। अ सिटीजन वुड नॉट बी एबल टू मूव कोर्ट एट ऑल। अब मूव कोर्ट एट ऑल ऐसा तो नहीं है ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोवाइड होता तो क्या पता लीगल राइट होता, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया तो कोर्ट जा ही नहीं सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। दूसरा, देयर वुड बी नो रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं है, बाकी सब चीज़ें तो हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि रूल ऑफ लॉ बिल्कुल होगा ही नहीं कंट्री में, तो बी भी आपका आंसर नहीं होगा। सी, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव वुड बी कम्प्लीटली डाइल्यूटेड। ये भी एक स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ नहीं है तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कुछ नहीं होगा। उसके लिए पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है और भी जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। डी, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में टर्न अथॉरिटेरियन। ये जो है आपका स्टेटमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट बैठता है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि अगर आप कोर्ट ही नहीं जा पाओगे, ठीक है, एज अ फंडामेंटल राइट नहीं, लीगल राइट को तो सरकार चेंज भी कर सकती है। अब आपका फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसे जो सरकार है वो इतना ईजिली चेंज नहीं कर सकती, ठीक है ना, बहुत उसमें परिश्रम करना पड़ेगा उन्हें चेंज करने के लिए, ईजी नहीं है चेंज करना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो वो अथॉरिटेरियन रिटर्न कर सकती है, लेकिन अगर लीगल राइट है, उन्होंने स्ट्रोक ऑफ द पेन से आपका जो राइट छीन लिया कि आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, तो वो अथॉरिटेरियन टर्न होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आंसर जो है आपका डी है। 27th क्वेश्चन, द फंडामेंटल राइट्स प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एज दे लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड, दे सिक्योर वाइटल पॉलिटिकल राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये दोनों ही ठीक हैं, जो आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लिमिट भी करते हैं और सिक्योर भी करते हैं आपके पॉलिटिकल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी आपके पॉलिटिकल राइट्स सिक्योर करता है। राइट टू इक्वालिटी में लिखा गया है कि आपको सबको इक्वालिटी देनी है, तो कोई भी दो लोग जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और टेक्निकली साउंड माइंड के हैं, उनको सरकार इस चीज़ पे ये नहीं कह सकती कि एक बंदा वोट कर सकता है और दूसरा बंदा वोट नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी कास्ट अलग अलग हैं, ठीक है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम नहीं लेके आ सकती सरकार, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। Which of these provisions of the Constitution reveal the secular character of Indian state? One, preamble. Two, directive principles of state policy. Three, fundamental rights. One, preamble. अब preamble में तो सीधा सीधा लिखा ही गया है, ठीक है, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socially secular democratic republic. ठीक है ना, secular democratic republic. हालांकि secular जो word था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको इंसर्ट किया गया था, लेकिन उससे पहले भी जो आपका प्रेम्बल था उसमें भी आपके जो सेकुलर करेक्टर था वो था टू प्रमोट दी फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी प्रमोट करने की बात की गई थी, इंटेग्रिटी को मेंटेन करने की बात की गई थी। तो वो सब क्या दिखाता है आपका सेकुलर करेक्टर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक आपका जो लिबरल जो आर्टिकल है वो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से आपके लॉज नहीं चलेंगे, आपका जो लॉ रहेगा वो सेकुलर रहेगा, हर रिलीजन के आदमी को एक ही लॉ से जज किया जाएगा, तो ये भी एक आपका सेकुलर करेक्टर दिखाता है। थर्ड, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, आपने माइनॉरिटीज़ को अपने फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। आप आर्टिकल 25 देखिए, आर्टिकल 26 देखिए, आर्टिकल 27, 28, इसमें आपने अपनी माइनॉरिटीज़ को फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, तो इसका जो आंसर आपका बन जाता है वो रहता है डी। 29th, इन द ईयर 2016, पुराना क्वेश्चन है थोड़ा, इन द ईयर 2016 द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव डिक्लेयर्ड सम रिजर्वेशन स्कीम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स सच एज गुजरात एंड हरियाणा एज वॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन गिवन बाय द कोर्ट इन दिस जजमेंट। नंबर वन, रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अलोन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रिजर्वेशन बेस्ड सोलली ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट इज अनटेनेबल एंड अनजस्टिफाइड। तो अगर आपने पिछले एक साल की अगर न्यूज़ थोड़ी बहुत देखी हो, तो जब गुजरात की सरकार ने, गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने इकोनॉमिक बेसिस पे उन्होंने कहा था कि अगर किसी की भी इनकम 6 लाख से कम होगी तो उन्हें हम कोटा देंगे, ठीक है, इकोनॉमिक बेसिस पे उन्होंने कोटा बोल दिया था, किसी कास्ट बेस पे नहीं, इकोनॉमिक बेसिस पे। तो उसमें सुप्रीम, वहाँ की जो गुजरात की हाई कोर्ट है, उन्होंने इसको वॉइड कर दिया था,
उन्होंने ये कहा था कि आप इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेस पे सिर्फ आप किसी को रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। सिमिलरली हरियाणा में जब जाट एजिटेशन हुआ, तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने जाट्स को फिर कोटा देने की बात की, रिजर्वेशन देने की बात की, और उसके लिए उन्होंने एक बिल भी पास किया। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जाट्स जो हैं वो पॉलिटिकली भी उनकी अच्छी खासी होल्ड है हरियाणा में, और इकोनॉमिकली भी वो बहुत ज़्यादा कुछ पुअर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप सिर्फ कास्ट के बेस पे, कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, उस पर आप कोटा नहीं दे सकते। तो इसका आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा सी। 30th क्वेश्चन, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज टू एनफोर्स वन फंडामेंटल राइट्स, टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लॉज बनाने का जो काम कर सकती है वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पे लॉज बनाने का काम इसीलिए पार्लियामेंट कर सकती है ताकि पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में कुछ है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लॉज, किसी में कुछ है, पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लॉ बनाने का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को। अगर अब आपको सिर्फ इतना भी पता है, तो आप देखें ए बी सी डी में से तीन ऑप्शंस में वन है, तो वन एलिमिनेट हो जाता है, तो आपका आंसर बन जाता है ऑटोमेटिकली बी, अगर आप बाकी दो के बारे में नहीं भी जानते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ बना सकता है।